बेटा हुण आपां नौवीं क्लास का अध्याय दो बहुपद जां पॉलीनोमियल दी अभ्यास 2.5 का पंजवां सवाल कर रहे हैं। ध्यान देखना है कि इत्थे लिखा है गुणनखंड करो। गुणनखंड याद रख लो, जदों लिखा हुंदा है विस्तार करो तो आपां फॉर्मूले नूं विस्तार करते हैं। असीं एक फॉर्मूला किया जा जिहदे विच एक दो ते तीन घात दो ने ए जमा बी जमा सी दी घात दो दा, वो हैगा ए दी दो जमा बी दी दो जमा सी दी दो जमा दो ए बी जमा दो बी सी जमा दो सी ए। जेकर तुसीं विस्तार करना है तो तुहानूं इह सवाल क्वेश्चन ए वाला होएगा, तो तुसीं उसनूं विस्तार करके खोलना, ए तुहाडा आंसर होएगा। जिवें कि असीं चौथे सवाल च कीता, मेरी पिछली वीडियो तुसीं देख सकदे हो। जदों गुणनखंडी करन आएगा उदों तुहानूं आह क्वेश्चन दिता होएगा बेटा, तो तुसीं उस विस्तार वाले क्वेश्चन नूं छोटा करके आह वाला आंसर कढ़ना हुंदा है। बस ये चीज़ ध्यान रखियो, गुणनखंडीकरण भी तुसीं हुण इस रकम नाल अपने सवाल नूं मिलाना है। तो तुसीं ध्यान रखो, तुहाडे कोल तीन रकम होनी चाहिए हैं। जिहदे कोल घात दो लगी है तुहाडे कोल हैगी है, बिल्कुल हैगी है, पर घात दो सिर्फ एक्स ते लगी है, चार ते नहीं लगी। तो तुसीं की लिख सकते हो, तुहानूं देखो चार हुंदा है दो दी घात दो, इस करके इहनूं दो एक्स दी घात दो लिख सकते हैं। जमा, हमेशा जमा ही पाना बेटा। नौ तीन वाई दी घात दो, थोड़ी ब्रैकेट खुली रखनी है बेटा। सोलह जैड नू चार जैड दी घात दो लिख सकते हैं। तो इस तरह तुसी अपने को तीन घातं बना लिया। हुण प्रॉब्लम यह आ रही कि सवाल में एक माइनस भी शो हो रहा है, तो जिहड़ियां दो रकम, यह श्योर है कि दो ही रकम माइनस दी होणगियां, तीन ना तीन हो सकती ना कोई एक हो सकती, हमेशा माइनस दी रकम किनियां होणगियां, दो ही होणगियां अगर हैगियां, तो नहीं तो सारी प्लस दी होणगियां। जे माइनस दी दो रकम मिल रही हैं तो उन्हां दो रकम दे विच जिहड़ा कॉमन वेरीएबल या चल किहड़ा है, जिवें इत्थे वाई है इत्थे वाई नहीं है, इत्थे जैड है तो इत्थे भी जैड है, मतलब जैड दोनों पासे आ, तो जिहड़ी रकम जैड वाली लिखी सी उत्थे माइनस लाउणी है। बट ये ध्यान रखो माइनस जैड वाली नूं ही क्यों लगा, क्योंकि जिहड़ी दो रकम माइनस दियां सीगियां उन्हां कोल कॉमन वेरीएबल जैड सीगा बेटा, इस करके जैड वाला माइनस दा। हुण तुहाडे कोल तीन रकम पूरियां हो गईआं, हुण प्लस हुण आ रकम अपने आप भरनी है बेटा। ये तुहाडा ए हो गया, ये तुहाडा बी हो गया, तो ये तुहाडा सी हो चुका है। दो ए बी, ए कितना है दो एक्स, तो बी कितना है तीन वाई, प्लस दो बी सी, बी कितना है तीन वाई, तो सी कितना है माइनस फोर जैड, प्लस दो सी ए, सी है माइनस फोर जैड, तो ए कितना है दो एक्स। तो इस तरह से अपना फॉर्मूला पूरा कर लिया है, फॉर्मूला हो चुका है ए दी दो जमा बी दी दो जमा सी दी दो जमा दो ए बी जमा दो बी सी जमा दो सी ए। जो फॉर्मूला कहता सीगा ए मतलब दो एक्स जमा बी, बी मतलब तीन वाई जमा सी, सी माइनस का तो माइनस का लिखा माइनस फोर जैड की घात दो, यही थोड़ा बेटा आंसर होगा इस सवाल का। असी विस्तार वाले पार्ट तो खब्बे वाला पार्ट बना लिया है, जो कि है ए जमा बी जमा सी की घात दो, सी माइनस का सगा, इस करके इतने माइनस का साइन आ चुका है। इस तरह हूँ सैकेंड पार्ट देखो, थोड़ा जहा औखा है। सैकेंड पार्ट के प्रॉब्लम यह आ रही है कि साढ़े को जो दो है ना, ये किसी की घात दो नहीं होंगे, तो जिहड़ा अखर किसी की भी घात दो ना बने वो अपने वर्गमूल का घात दो होंगे, इस करके इतने असं वर्गमूल दो एक्स की घात दो लिखांगे बेटा। वाई की घात दो तो अपने आप से घात दो है अठ, अठ जिहड़ा होंगे ना बेटा दो वर्गमूल दो की घात दो होंगे, ये दो चीज़ा अगर जो याद हो जाए कि दो कि घात दो होंगे है वर्गमूल दो का, तो अठ दो वर्गमूल दो की घात दो होंगे है। हुण दो रकम माइनस दियां ने, एक आवली माइनस है एक आवली माइनस है, दोनों के ਕਿਹੜਾ ਕੋਮਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਦੋ ਏ, ਏ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ ਦੋ ਐਕਸ ਬੀ ਵਾਈ, ਪਲੱਸ ਦੋ ਬੀ ਸੀ ਦੋ ਵਰਗਮੂਲ ਦੋ ਜ਼ੈਡ, ਪਲੱਸ ਦੋ ਸੀ ਏ। इस तरह से अपने सवाल को पूरा कर लिया है, तो हुण असीं इहदे फॉर्मूला की बनावांगे, ए मतलब माइनस दे वर्गमूल दो एक्स जमा बी मतलब वाई जमा सी मतलब दो वर्गमूल दो जैड की घात दो साडा आंसर होएगा इस सवाल का। उम्मीद कर रहा तुहानूं पंजवां सवाल चंगी तरीके नाल समझ आया होएगा। मेन कंसैप्ट बेटा माइनस वाला है,
माइनस वाला कंसैप्ट समझ लियो ध्यान नाल कि जिहड़ी दो रकमां माइनस दियां ने उन्हां विच जिहड़ा कॉमन वेरीएबल है उही माइनस दा लगेगा ते तुहाडा आंसर आ जाएगा।